दिया है योगर्ट भी दिया है आज जाओ बैठ योगर्ट बैठो क्यू योगर्ट द वन वन योगर्ट एप्पल uh. दे दो एप्पल uh. दे दो एम um, नो no. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन क्या हाल है आप सबके वेलकम बैक टू माय चैनल आज है वेडनेसडे और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है आप देख सकते हैं कि मैं ज़ैना को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूं एक्चुअली ना यहाँ पर गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और टेम्परेचर कभी कभी थर्टी डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो उस वजह से मैं जैना को सनस्क्रीन लगा रही हूँ जैना की स्किन काफी सेंसिटिव है तो मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है सर्दियों में मैं डेली उसको मॉइस्चराइजर लगाती हूँ जबकि गर्मियों में मैं उसको सनस्क्रीन लगाती हूँ मैंने सोचा चलिए थोड़ा रूटीन ब्लॉक्स की तरफ आ जाते हैं मुझे काफ़ी सारी बातें आप लोगों से करनी है तो ये बनाना बोर्ड का जो ब्रांड है काफी फेमस है काफी कॉमन है मैं यही यूज करती हूं जैना को काफी सालों से यही यूज कर रही हूं लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज का दर्जा हरारत है 21 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 21 डिग्री सेल्सियस अच्छा ये जो वीडियो क्लिप है ना मैंने जैना के जागने से पहले बनाई थी और मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया था मैं आज ब्रेकफास्ट में जैना के लिए होम मेड वॉफल्स बना रही हूँ वैसे तो वो स्टोर बॉट वॉफल्स भी खा लेती है और वो जो एगो ब्रांड के एक वॉफल्स आते हैं वो हमेशा हमारे फ्रीजर में होते ही हैं लेकिन फॉर सम रीजन जैना जो स्टोर बॉट वॉफल्स होते हैं ना बस वो एक ही खाती है इससे ज़्यादा उसको नहीं अच्छे लगते लेकिन अगर मैं घर में बनाऊँ ना तो माशाला बहुत सारे वॉफल्स खा लेती तो कभी कभी मैं जैना को ऐसे छोटी मोटी ट्रीट्स देती रहती हूँ वॉफल्स की ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ये पूरी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और इसकी जो स्टैंडर्ड रेसिपी होती है ना मैं उसकी हाफ़ बनाती हूँ पूरा नहीं बनाती क्योंकि इतना ज़्यादा बैटर मुझे नहीं चाहिए होता मुझे थोड़ा सा ही बैटर चाहिए होता है क्योंकि मैं और इब्राहिम थोड़ा अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा दिल होता है वॉफल्स खाने का तो हम लोग एक एक वॉफल्स बना लेते हैं बाकी जो दो तीन वॉफल्स बनते हैं वो फिर जैना खाती है तो इस वजह से ना मैं फिर पूरी रेसिपी नहीं बनाती तो सबसे पहले मैं इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग कर लेती हूँ और जो इसके वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं अलग पहले मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि आप पैनकेक्स बना रहे हो या वॉफल्स बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि उसके अंदर लम्स ना रह जाए यानी गुटलिया ना रह जाए तो मैंने पहले ड्राई इंग्रीडियंट्स एक तरफ कर लिए हैं और अब मैं ऐसे जेंटली इसके अंदर डाल के इसको फिर मैं अच्छी तरीके से विस्क करूंगी और आपको बस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा रनी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए मैं इसको हैंड हैंडविस्ट से अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए ये इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी है अच्छा अब आप, मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न है कि मैंने अभी जैन के उठने से पहले ही ये वीडियो बनाई है तो ये है चॉकलेट चिप्स का पैकेट मिल्क चॉकलेट जो होता है वो वाला मैंने ये पैकेट लिया है मैं इस बैटर के अंदर थोड़े से चिप्स डालूंगी चॉकलेट चिप्स अगर आप ऐसे चिप्स वगैरह डालेंगे ना तो बच्चे बहुत शौक से वॉफल्स खा लेंगे लेकिन ये ऑप्शनल है तो जहना को अगर पता चल गया ना कि घर के अंदर चॉकलेट चिप्स रखे हुए तो ना वो बैटर के अंदर डालने देगी ना वो ये चॉकलेट चिप्स हमें सेव करने देगी फिर वो पूरे खुद खा लेती है पूरा पैकेट तो उस वजह से ना ऐसी चीज़ें जहना से थोड़ी सी मुझे छुपानी होती हैं बल्कि फ़नी बात ये है कि जहना ने अभी एडिटिंग के दौरान ये देख लिया है कि घर के अंदर चॉकलेट चिप्स का एक पैकेट रखा हुआ तो वो बहुत रो रही है कि मुझे ये पैकेट दे दो तो फाइनली वो पैकेट उसको अब देना ही पड़ गया तो ये वॉफुल मेकर है मेरा एक छोटा सा मैंने जैना के लिए ही लिया था अच्छा इसका जो परफेक्ट एक्जैक्ट रेशियो है ना वन फोर्थ कप आप बैटर इसके अंदर डालें इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं क्योंकि जैना को वॉफल सॉफ्ट अच्छा लगता है तो जैना का वॉफल मैं बहुत ज्यादा देर तक कुक नहीं करती थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखती हूँ मेहूर इब्राहिम बस एक एक वॉफल खा लेते हैं ये मेरा वोफिल है पहले सबसे पहले मैं खाऊंगी क्योंकि आपको पता है ना मैं थायराइड की मेडिसिन खाती हूँ और अभी जैना उठी भी नहीं है तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत भूख लगती है मैं थोड़ा लवाजमात के साथ पसंद करती हूँ ये देखें लेकिन इस प्रेगनेंसी में ना मैं थोड़ा आई फोर्डिव माई सेल्फ मैं थोड़ा सा मीठा और कार्ब्स खा लेती हूँ वैसे जनरली अवॉइड करती हूँ लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ आई फॉर माय सेल्फ एक्चुअली जैना को आजकल पता नहीं क्या हो गया वो कहती है कि उसको जो वॉफल है वो बगैर मेपल सिरप और क्रीम के दो पहले तो उसको ये सब चाहिए होता था अभी कहती है मुझे प्लेन वाला दो hmm. तो मैट डैडी को दे दो मैट hmm. रिसाइकलिंग हो रही है अरे वाह जी वाह एक वॉफल मैंने इब्राहिम को ज़रा ज़बरदस्ती खिला ही दिया वो कार्ब्स और शुगर की वजह से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं लेकिन मैंने कहा चलें एक आप खा लें मेरी कंडीशन की वजह से अब ज़्यादातर जैना का पिक एंड ड्रॉप जो स्कूल का है वो इब्राहिम ही मैनेज करते हैं मुझसे अब बहुत ज़्यादा मैं ना ड्राइव करती हूँ ना मुझसे कहीं बाहर निकला जाता है तो अभी भी जैन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए इब्राहिम ही जाएंगे चैनल के ऊपर काफी सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जो लॉन्ग ड्रेसेस पहनती हैं वो आप किधर से खरीदती हैं हमें भी बताएं बहुत अच्छे ड्रेसेस आप पहनती हैं तो थैंक यू वेरी मच मैंने कहा चले आज एक छोटी सी क्लिप में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ज्यादातर लॉन्ग ड्रेसेस किधर से लेती हूँ अच्छा देखिए लॉन्ग ड्रेसेस जो होते हैं ना मेरे अगर आप देखा करें तो आप खुद ही अज्यूम कर, कर लिया करें कि वो मैं पाकिस्तान से लेकर आती हूँ शायद इक्का दुक्का होंगे लॉन्ग वाले जो मैंने यहीं से खरीदे होंगे असल में यहाँ जो ड्रेसेस अवेलेबल है ना मैं आपको बताती हूँ उनके साथ क्या प्रॉब्लम है अच्छा देखिए मिसाल के तौर पे ये जो मेरे ड्रेसेस हैं ये लॉन्ग हैं ये सारे अलग अलग कलर्स में डिजाइन में जो मेरे पास ड्रेसेस हैं ये कराची में ये एक शॉप है ओशन मॉल जो है वहाँ पर एक शॉप है उसका नाम है फैशन सिटी फैशन uh, सिटी कोई इतनी वो नहीं है कोई ब्रांडेड या कोई हाई फाई सी शॉप नहीं है लेकिन आई गेस फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर वो शॉप है और उनके पास काफी बड़ा कलेक्शन होता है ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस का तो जरूरी नहीं है कि सारे ड्रेसेस आपको अच्छे लगे लेकिन अगर आप उनका पूरा कलेक्शन देखेंगे ना तो दो तीन आपको अपने मतलब के उसमें ज़रूर मिल जाएंगे और वो उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते आई गेस एक ड्रेस मैंने साढ़े तीन हजार समथिंग तीन साढ़े तीन हजार रुपये का लिया था विच इज रीजनेबल आई बिलीव और कुछ मेरे ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैं ब्रांडेड ख़रीदती हूँ तो जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा ड्रेस हो गया ये मेरा ड्रेस हो गया ये वाला मेरा जो ड्रेस हो गया ये मैंने लिया है जनरेशन से जो ऑफ कोर्स हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है और ये जो है मेरा इसके बारे में भी कुछ लोग क्वेश्चन करे थे एक क्वेश्चन आया था कि आपने किधर से लिया था मैंने लास्ट वीडियो में पहना था ये मैंने खाड़ी से लिया था तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर है तो मैं थोड़ा एक मिक्स एंड मैच करके एक बजट में थोड़े उसमें अच्छे महंगे वाले भी फ्रॉक्स ले लेती हूँ थोड़े वो ऐसे ही रीजनेबल वाले प्राइस वाले भी मैं ले लेती हूँ लेकिन ये जो मेरा ड्रेस है ना ये है एच एन एम से और ये यहीं यहीं का ही है यहीं मतलब ये यूएसए से मैंने मंगवाया था लेकिन यहाँ पर भी मिल जाते हैं ऐसे लॉन्ग स्लीव्स वाले ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस लेकिन आ, एक तो बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस नहीं होते चॉइसेस नहीं होती वैरायटी नहीं होती सेकेंडली वो फिर महंगी भी होते हैं और फिर बहुत जल्दी वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं अच्छा मिसाल के तौर पर अब आप इस ड्रेस को देखेंगे ना ये एच एन एम का ड्रेस है

और अगर आपको ये भी याद हो मैंने एक वीडियो में आपको ये साबुत काली मिर्ची भी दिखाई थी और मैं आप, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों मंगाया था तो चले आज मैं आपको डिस्क्लोज करती हूँ देखिये अब फाइनली ना थोड़ा थोड़ा करके मसालों का काम अब मैं स्टार्ट करूंगी और अपने मसाला बॉक्सेस वगैरह जितने भी मेरे पास रखे हुए हैं मैं उसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करूंगी तो ये एक बैम्बू बॉक्स है मैंने कई महीने पहले अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली कुछ मसाले हैं ना वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ्रेश ही यूज करूँ तो आज उन्हीं मसालों को मैं रेडी करूंगी और अपने इस बैम्बू बॉक्स के अंदर रखूंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी बल्कि आप लोगों से एक क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करूँगी कि आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है अच्छा मैं मसाले जो है ना पहले उनको तवे के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ दो चार टाइप के मसाले हैं जो मैं हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं फ्रेश ही डालूँ तो पहले मैं इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ और जीरे को मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी देखा आपने जलाना नहीं है थोड़ा सा रोस्ट करना है और इसके बाद ना मसाले को आपने रूम टेम्परेचर पर आने देना है ठंडा कर लेना है उसके बाद ये मैं ले रही हूँ काली मिर्चें इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी अच्छा ये जो दो चार मसाले हैं जो अभी मैं बना रही हूँ ये आप अपनी रेसिपीज के अंदर यूज करेंगे फ्रेश वाले यूज करेंगे ना तो आपकी रेसिपीज का टेस्ट ही बहुत अलग होगा मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये होती है कि मैं ये वाले कुछ स्पेसिफिक मसाले हैं वो मैं स्टोर पॉट नहीं बल्कि घर के ऊपर ही थोड़े से मैं इसको कूट के रेडी कर लूँ तो मैंने लिया है जीरा ये काली मिर्च ली है और ये धनिया लिया है ये सब रोस्टेड है और यानी मैंने इसको सेंक लिया है और अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने का मैं वेट कर रही हूँ अच्छा ये देखिए मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया और जो मसाले घर के होते हैं ना मैं कभी भी इसका पाउडर नहीं बनाती इसको ऐसा थोड़ा कुटा कुटा सा रखती हूँ तो ये देखें और अब मैं एक एक करके ये सारे मसाले अपने ये जो बैम्बू ऑर्गेनाइजर है इसके अंदर डालूंगी और इसके साथ एक चमचा भी आता है छोटा सा अच्छा ये देखें तो ये तीन टाइप के मसाले हैं और एक जो इसके अंदर पोर्शन है ना खाली है मैं काफी महीने से सोच रही हूँ इस खाली पोर्शन के अंदर मैं क्या रखूं तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि कोई ऐसा मसाला जो मैं घर के अंदर रेडी करके इस बैम्बू बॉक्स में रख सकती हूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा तो चलिए एक काम जो बहुत महीनों से पेंडिंग में था वो आज मैंने कर लिया है और मैं काफ़ी अब रिलैक्स फील कर रही हूँ अच्छा अपनी प्रेगनेंसी पे मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्थ अपडेट मैं आपको देती ही रहती हूँ तो एक अपडेट मैंने आपको ये दी थी कि मेरे जो हाथ हैं वो नम हो जाते हैं और मैंने आपको ये बताया था कि वो जैना के टाइम पे भी हो जाए करते थे बल्कि जैना के टाइम तो कंडीशन काफ़ी सिवियर थी अब की बार तो फिर भी थोड़ी सी मैनेजेबल है तो जैसे एक्सपेक्टेड था ना वही हुआ कि मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ दो तीन हफ्ते हो गए और मैं आयरन डिफिशंसी डायग्नोस हुई तो डॉक्टर ने मुझे आयरन की पर सप्लीमेंट्स दिए मैं वही खा रही हूँ और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ ना आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये काफी बड़ा मतलब एक एक चार्ट मुझे दिया है हॉस्पिटल

और क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स तो डेली लेने होते हैं ऑफकोर्स तो ये जो बड़ा पैकेट है ना इट्स क्वाइट हैंडी कि कम पैसों में आपके पास बहुत सारे क्लेमेंटाइन हैं जो आप डेली खा सकते हैं आराम से अच्छा कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको अपनी एक और हेल्थ अपडेट दी थी मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रेगनेंसीज़ में हार्ट बर्न का बहुत इशू रहता है जिसको तेजाबियत कहते हैं आम जबान में तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हुए काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी आ, मुझे ऐसे रेमेडीज बताएं कि मैं ऐसा क्या खा सकती हूँ जिससे मेरी कंडीशन बेहतर हो सकती है मेरी एक स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया वो भी काफ़ी कंसर्न थी मेरी इस कंडीशन को लेके तो आप सबके प्यार का कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया मैं इनशाला एक एक करके आप सब के मशवरों पे अमल करूंगी तो एक मेरी व्यूवर है उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोकोनट वाटर पिए वो बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए अब देखें पाकिस्तान में तो फ्रेश मिल जाता है कोकोनट वाटर यहाँ पे तो ये कैन वाले कोकोनट वाटर से काम चलाना पड़ेगा तो ये देखिए मैंने दो बनानास लिए थे और एक कप मैंने पाइन लिए थे इसको मैंने फ्रीज कर लिया था तो मैं कोकोनट वाटर पी रही हूँ लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ हाँ ये गलती मुझसे यहाँ पर ये हो गई कि मैंने ना थोड़ा सा फ्रूट्स को सॉफ्ट होने नहीं दिया आप फ्रूट्स को 10-15 मिनट बाहर रखें ताकि वो पहले सॉफ्ट हो जाए तो ये आपका पीना कोलाडा है ये स्मूदी है आपकी आसानी से बन जाएगी तो थोड़ा ट्रेडिशनल पीना कोलाडा नहीं है थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप ये ज़रूर बनाइएगा मैंने इसके अंदर एक कैन कोकोनट वाटर का डाला है और थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है और ये कोकोनट मिल्क है ये 400 सौ का कैन था जिसमें से मैंने एक कप बचा लिया है वो मैंने क्यों बचाया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लेट इट बी अ सरप्राइज इसके अंदर कोई भी आपको शुगर या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है बर्फ भी डालने की जरूरत नहीं है उसके बगैर ही बहुत अच्छा बन जाएगा तो ये तीन ग्लासेस आप देख रहे हैं ना तो दो तो हमारे हैं और एक मेरे भाई का है तो भाई भी आने वाला है तो मैंने भाई का जो ग्लास है वो मैंने फ्रिज में रख दिया ये इतना टेस्टी बना था इतना रिफ्रेशिंग बना था आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन बताएगा आपको कैसा लगा अभी एक्चुअली मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है तो भाई को मैंने बुला लिया था जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ ना मैं भाई को ज़रूर बुला लेती हूँ और अगर मैं ना बुलाऊ ना मैं भूल जाऊँ तो इब्राहिम उसको फ़ोन करके बुला लेते हैं मैंने भाई से कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी मंगाए हैं तो अभी मैं वेट कर रही हूँ वो आइटम्स आएंगे उसके बाद ही मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी तो फिलहाल मीन मैं और इब्राहिम अपना बिना कोलाटा इंजॉय कर रहे हैं अच्छा मैंने कहा चलें एक छोटी सी अपडेट और आपको देती हूँ बेबी से रिलेटेड एक्चुअली अभी जो आ, मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा देवर हसन आया था ना तो वो आ, बहुत सारे जो यू से शिकागो से जो प्रेजेंस बेबी के लिए थे वो ये लेकर आया था तो मैंने कहा चलें अभी हमने असेंबल नहीं किया क्योंकि मैंने आपसे कहा ना अभी डिलीवरी में काफ़ी टाइम है और ये जितने भी प्रेजेंस हैं ये इब्राहिम की फ़ैमिली की तरफ से हैं उनकी सिस्टर्स की तरफ से उनकी अम्मी की तरफ से हसन की तरफ से तो ये देखें ये एक बेबी का स्ट्रोलर है अच्छा देखिए ये स्ट्रोलर है इसके साथ कार सीट है अभी कुछ भी हमने असेंबल नहीं किया है और ये बेबी का क्रिब है यहाँ पर ये ये हम अपने कमरे के अंदर रखेंगे और इसके साथ एक बेसिनेट वगैरह भी है और वो जो है ना वो एक इलेक्ट्रिक स्विंग है वो आपको दिख रहा है ना वो बैटरी ऑपरेटेड स्विंग है वो इब्राहिम की सिस्टर की तरफ से है तो ये अभी प्रेजेंस इसके अलावा माशाल्लाह कपड़े भी आ गए हैं डायपर बैग भी आ गया है तो अभी एक, मतलब कुछ वीडियोस पहले तक तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इतनी टेंशन हो रही है समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें शॉपिंग वगैरह लेकिन मैं कहती हूँ ना कि जब भी कभी कोई वक्त आने वाला होता है कोई ख़ास वक्त तो अल्लाह ताला उसका ज़रिया वसीला पहले से ही बना देता है तो हम लोगों ने बहुत मना किया था हमने सबको कहा था कि बस आप कोई ख़ुशी से एक आइटम दिला दें लेकिन माशाला इतने सालों बाद पूरे सात साल बाद खुशी आ रही है घर में तो सब बहुत खुश थे और सब ने जिसको जो दिलाना था अपनी अपनी मर्जी से मोहब्बत से उन्होंने बेबी के लिए चीज़ें दिलाई हैं मेरे घर वालों की तरफ से भी माशा प्रेजेंट्स आएंगे वो भी मैं आपको वर्तन फ़वर्तान दिखाऊंगी बेबी के कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे आए हैं लेकिन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चीज़ें दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ कि क्या सामान है और जब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे इन सारी चीज़ों की तो अभी फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि इन चीज़ों का फाइनल लुक क्या है लेकिन फिलहाल ये एक छोटा सा एक रॉ लुक है ये आप लोग देख लें चलिए जी भाई आ गया है और अब मैं जल्दी जल्द जल्दी डिनर की तैयारी करूँगी मेरा काफ़ी दिनों से ना कड़ी खाने का बहुत मूड था और बल्कि आज मेरा हंड्रेड एंड वन परसेंट प्लान था कि आज की वीडियो में मैं कड़ी ही बनाऊंगी लेकिन वो जो मेरे पास कोकोनट मिल्क मैंने देखा ना तो मेरे माइंड में एक अचानक से आइडिया आया मैंने कहा चलो कड़ी रहने दो उसकी जगह है ना मैं खाउ बना लूंगी तो आज का जो डिनर रेसिपी है वो है चिकन खाउ असल में आइटम्स जो है ना सारे ग्रोसरी के मैंने भाई से इसलिए मंगाए थे क्योंकि मैंने मेरी मेरी कंडीशन की वजह से ना मेरी मोबिलिटी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है मुझसे बहुत ज़्यादा बाहर जाया नहीं जाता मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ सांस भी मेरा बहुत जल्दी फूलना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले मैं इसकी कड़ी बना रही हूँ और कड़ी के लिए सबसे पहले ब्लैंडर में मैंने दही डाला है बेसन डाला है फ्रेश लहसन अदरक का मैं पेस्ट डाल रही हूँ एक एक टी ईच ये जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंशन कर दूँगी नमक डाल रही हूँ नमक अगर आप थोड़ा कम भी डाल रहे तो मसला नहीं है बाद में आप नमक की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं मसाला जात में मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डाल रही हूँ हल्दी डलेगी पिसावा इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूंगी और इसके अंदर मैं कम से कम चार से पाँच कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अच्छा देखिए ब्लेंड करने से फायदा ये होगा कि आपकी जो कड़ी है ना वो कड़ल नहीं होगी तो ये सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्टकट है आप इसी तरीके से बना लीजिए बहुत सारे लोग हैंडविज से भी कर लेते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है अच्छा कड़ी बनाना इज़ सुपर सिंपल ये बड़ा मैं एक थोड़ा शॉर्टकट टाइप का खौसा बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तेल गरम करूँगी और उसके अंदर मैंने ये ज़ीरा गरम किया है अच्छा ज़ीरे को थोड़ा सा आपने स्पलटर होने देना है जीरे के बाद इस स्टेज पर मैं आठ से दस कड़ी पत्ते डालूंगी बेसिकली भाई से मैंने कड़ी पत्ते ही मंगाए थे और इसको अच्छी तरीके से आप फ्राई कर लें ताकि तेल के अंदर इन चीज़ों की अच्छी तरीके से खुशबू आ जाए ये मैंने अपनी कड़ी इसके अंदर डाल ली है अच्छा इसके अंदर आप कम से कम चार से पाँच कप पानी जरूर डालिएगा ये, ये कड़ी जो है आपको पता है एक से दो घंटे पकती है मैंने एक घंटे बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर पकाई थी आप ज़्यादा पकाना चाहें तो पका लीजिए और ये रहा वो कोकोनट मिल्क जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी ये मैंने कोकोनट मिल्क इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको बहुत स्लो आँच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी ये बहुत अच्छी रेसिपी है बहुत क्विक रेसिपी है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा ये ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है अच्छा इसके बाद अब मैं अपनी चिकन की तैयारी करूंगी चिकन मैंने आधा किलो बोनलेस ली है और इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है प्याज जब मेरी थोड़ी लाइट ब्राउन होने लगी है उसके अंदर मैं एक टीस्पून डाल रही हूँ गार्लिक क्रश गार्लिक डाल रही हूँ ये फ्रेश गार्लिक मैं यूज कर रही हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी ताकि गार्लिक की अच्छी इच, एक खुशबू होती है वो ऑयल के अंदर आ जाए और उसकी एक जो कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी अच्छा चिकन को आपने पहले थोड़ी देर चार से पांच मिनट में कहूँगी आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करें जब तक चिकन जो होती है उसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करूँगी मसाला दात में मैंने नमक डाला है लाल मिर्ची डाली थी हल्दी डाली है और पिसा हुआ धनिया डाला है अच्छा इसके अलावा मैंने एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है वो इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का आप पार्ट ना समझिए और ये ना समझें कि मैंने इस डाला है कि डालना कंपलसरी इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल और वो है ये रेड चिली पेस्ट हॉट पेपर पेस्ट इट्स ये बेसिकली कोरियन रेसिपीज के अंदर काफ़ी डलता है तो मैं एक टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ लेकिन इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये ढब्बा मुझे ख़त्म करना है किसी चीज़ में तो डालना है तो, तो मैं आज खाउ से मैं डाल रही हूँ लेकिन ऑनेस्टली इसने इसके फ्लेवर को इतना एनहैंस कर दिया था और चिकन को इतना क्रीमी टेक्स्चर दे दिया था ना कि मैं क्या बताऊँ बस इसको मैं अच्छी तरीके से स्टिर फ्राई करूँगी चिकन को और फिर मैं ढककर इतनी देर पकाऊंगी कि मेरी चिकन टेंडर हो जाएगी अच्छा बहुत से लोग चिकन को ऐसे भुनी भी पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे ग्रेवी वाली पसंद करते हैं खाउसे के अंदर मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है तो मैंने एक टमाटर की प्यूरी बना के इसके अंदर डाल दी है अच्छा तो प्यूरी डालने के बाद आप इसको ढक कर मैंने 10 से 15 मिनट पकाया था ताकि कच्चे टमाटरों की स्मेल भी खत्म हो जाए और एक इसका अच्छा सा एक लुक भी आ जाए तो ये रहा मेरे खाउसे का फाइनल लुक वैसे तो खाउसे के साथ बहुत सारे लवाजमात बनाए जाते हैं रेडी किए जाते हैं लेकिन मैं बस ये स्लिम्स जो हमारे वर्ल्ड फेमस निम्को के स्लिम्स है ना मैं वो यूज़ कर रही हूँ अब मैं इसकी असेंबलिंग करूंगी अगर आप ये रेसिपी मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़े एक्स्ट्रा लवाजमात भी रेडी कर लें क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रेजेंटेशन में काउंट आते हैं और हर बंदा अलग अलग टाइप की चीज़ें पसंद करता है लेकिन क्योंकि आज सिर्फ हमने घर में खाने के लिए फैमिली के लिए बनाया है तो बस मैं सिर्फ स्लम्स ही यूज कर रही हूँ इतना ज़्यादा लवाजमान बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही ये इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा आप चाहें तो उसको बीफ में भी बना सकते हैं मैंने क्योंकि शॉर्टकट स्टाइल में बनाया है तो मैंने चिकन यूज़ की है चलो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को लाइक करें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय